Hello guys, welcome back to Mass Study. Guys, I am back with a lot of new prepositions for you all. Guys, आज मैं आपको बहुत सारे prepositions पढ़ाने वाला हूँ. जैसे कि आज हमारी list में सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है after, before, till, until आपको बहुत परेशान करता है, आज के बाद परेशान नहीं करेगा क्योंकि ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ. Under है, इसके अलावा हमारे पास around है, above है, below है, up है, अगेंस्ट है, अमंग है, विदिन है, राउंड है, और भी 10 से 12 प्रेपोजिशंस मैं ऐड करने वाला हूँ. अल्टीमेटली आज मैं सारे प्रेपोजिशंस खत्म कर दूंगा. तो फटाफट आप आ जाइए, आज की हमारी शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है. एज यू नो माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम हियर ब्रिंग फॉर यू 60 डेज स्पोकन इंग्लिश लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब. तो 60 दिन की हमारी लाइव क्लासेस है. स्पोकन इंग्लिश का पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपके लिए फ्री है ऑन यूट्यूब. अभी तक मैं अपनी 25 क्लासेस के पहले 24 क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूं. आज है 25th नंबर की क्लास और आज मैं ये सारे प्रेपोजिशंस आपको वन बाय वन पढ़ाने वाला हूं. तो एक एक करके सारे प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रेपोजिशन क्या होता है. प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है जो दो नाउंस के बीच में, दो प्रोनाउंस के बीच में रिलेशन बताता है. तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, सभी का स्वागत है. आज हम वन बाय वन करके शुरू करेंगे. आज चूंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना है तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू यू नो टेक मच टाइम इन बिटवीन द यू नो प्रेपोजिशंस. तो एक एक करके सारे प्रेपोजिशंस मैं कवर करूंगा और टाइम बचा तो जो मैंने पुराने क्लासेस में पढ़ा दिए वो भी बताऊंगा. देखो, बिफोर हमारा पहला प्रेपोजिशन होता है. प्रेपोजिशन सबसे पहली बात होता क्या है, तो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया है. अगर आप मेरी डे वन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रेपोजिशन दो एक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो नाउंस के बीच में रिलेशन बताते हैं. जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो जब भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो हम यहां पर बोलते हैं आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू. आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू यानी कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं. तो अल्टीमेटली ये जो प्रीपोजिशन मैंने लगाया कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो यहां पर देखिए जैसे पोजिशन क्या बन रही है. हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. जैसे ये एक टीचर है ना, और उसके सामने जो है बहुत सारे बच्चे हैं. अब ये सब लोग बैठे हुए हैं या खड़े हैं, वॉट एवर यू कैन अंडरस्टैंड. अब यहां पर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है आप मुझे बताइए. सब लोग जुड़ चुके हैं, सबसे पहले बताइए एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज ठीक से आप लोगों को आ रही. बेटा क्या मेरी आवाज आ रही सब लोगों को? फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए. आप जैसे ही सबसे पहले आते हैं आपको एक काम करना होता है, आपको लाइक करना होता है. अगर आप क्लास में आ गए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए. कम ऑन गाइस, लाइक करिए फटाफट, और लाइक करके मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है. चलिए आ रही है, कन्फर्म है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. आज मैं ठीक हूँ. आप सभी लोगों ने बहुत दुआएं की थी तो आज लास्ट बॉटल लगवा के 6 बजे आई केम फ्रॉम हॉस्पिटल एंड डायरेक्टली केम टू माय ऑफिस. तो आई एम कम्प्लीटली फाइन, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ. बस कुछ दिनों तक मुझे ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का. तो यहाँ पर देखिए, बिफोर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई एक व्यक्ति बाकी लोगों के सामने खड़ा हो. तो जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं तब हम वहाँ पर हम बिफोर लगाते हैं. जब भी आप कोई स्पीच देते हो ना, तो स्पीच में आप बोलते हो कि मैं आपके समक्ष खड़ा होकर अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एंड आई वॉन्ट टू कीप माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो किसी के समक्ष खड़े होकर, किसी के सामने होकर आप जब बात रखते हैं तो उसको बिफोर बोला जाता है. तो बिफोर में ध्यान रखना है कि बिफोर में क्या होता है कि हम व्यक्ति की बात करते हैं. जैसे अपोजिट वर्ड भी होता है, लेकिन अपोजिट में हम क्या करते हैं, किसी मकान की बात करते हैं. जैसे मैंने कहा कि मेरे घर के सामने, अपोजिट ऑफ माय हाउस, मतलब बैंक के जस्ट सामने मेरा घर है, तो माय हाउस इज जस्ट अपोजिट द बैंक, ऐसा बोलेंगे. जैसे मैंने कहा कि भाई पता है मेरे स्कूल के सामने ना, मेरे स्कूल के सामने मेरा खेत है, तो माय फील्ड इज जस्ट अपोजिट माय स्कूल. लेकिन बिफोर के लिए हम व्यक्ति की बात करते हैं. जैसे राहुल रवीन के सामने खड़ा है, तो राहुल इज स्टैंडिंग बिफोर रवीन. एक जो बच्चा है ना, वो टीचर के सामने खड़ा है, तो द चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिफोर टीचर. समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो यहां पर बिफोर का मतलब होता है पहले, होता है के सामने या के पहले। जैसे वह आर्ट, आप यहां पर बिफोर के दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया के समक्ष, तो एक तो ये व्यक्ति के सामने वाले पक्ष में होता है, व्यक्ति के सामने की बात होती है तब हम बात करते हैं, ठीक है। और एक होता है टाइम, ये टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं 4 बजे के पहले उठता हूँ, या मैं तुम्हें 4 बजे के पहले आज मिलता हूँ, तो आई विल मीट यू बिफोर 4 o'clock। मैं 4 बजे के पहले तुमसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू बिफोर 4 o'clock, ध्यान रखना। तो जब वह मेरे सामने बैठा है तो ही इज सिटिंग बिफोर मी, सामने बैठा है तो बिफोर मी। यहां पर क्या मतलब हो रहा है बिफोर का? टाइम। तो अल्टीमेटली व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, कि बिफोर का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं। एक बिफोर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के सामने होना, और एक बिफोर का मतलब होता है समय से पहले होना। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक कंफ्यूजन आपको जरूर होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, वो कोई नहीं बताएगा, मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। देखो कई बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होता है, एक होता है बिफोर, एक होता है अगो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। इसका मतलब भी होता है पहले, और इसका मतलब भी होता है पहले, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस नहीं समझ में आया तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आज पढ़ा देता हूँ। देखो ये क्या करता है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। मतलब जब भी बिफोर आप लगाओगे तो आप ऐसा बोलोगे 2004 के पहले, 2004 के पहले। तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बिफोर 2004, क्योंकि यहां पर 2004 दिया हुआ है, तो आप बोलते समय लिखते समय 2004 बोलोगे, बिफोर 2004 आप। और यहां पर क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम के पहले आता है, किसके पहले आता है? पीरियड ऑफ टाइम के पहले आता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, यानी कि समय का हिस्सा। जैसे आपने कहा कि दो घंटे पहले, अब इसको अगर आप अंग्रेजी में ऐसा लिखोगे, कि बिफोर, बात को समझना, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, बिफोर 2 hours, तो ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप इसे लिखोगे बिफोर, आपने बोला 2 घंटे पहले मिलता हूँ, तो बिफोर 2 hours गलत है भाई, बिफोर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2 hours ago। तो ये सही आंसर क्या होगा, 2 hours ago, ये करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिफोर लगाते हैं तो बिफोर कब कब आता है, जहां जहां पर सिंस आता है। जैसे बिफोर अप्रैल, अप्रैल के पहले, है ना, आपने कहा बिफोर बिफोर 2005, 2005 के पहले, बिफोर बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले। तो इसमें एक निश्चित समय दिया होता है तब आप बिफोर लगाते हैं, निश्चित समय दिया होता है तब आप क्या लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं। आगो क्या करता है, आगो एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, आगो बताता है 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 4 दिन पहले। आपने देखा होगा आपकी व्हाट्सअप चैट पाती होगी, या आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, है ना, सब ब्लैक कलर पर बोर्ड पर पढ़ाएं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में साइन ज़्यादा मारता है। हाँ तो ब्लैक पर ही तो पढ़ा रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, देखो ना, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सुंदर नागपाल, थैंक यू सुंदर ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच। देखिए अब यहाँ देखिए कि ये समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, समझो बात को, बहुत बहुत बेसिक गलती करते हैं हम लोग, ये गलती हजारों लोग अंग्रेजी बोलते समय करते हैं। मैंने कई लोगों को बोलते सुना है, अरे 2 घंटे पहले ना, 2 घंटे पहले में वो यही था, बिफोर 2 hours ही वॉज हियर। अरे तूने सत्यानाश कर दिया अंग्रेजी का, बिफोर 2 hours नहीं होता है, 2 hours ago होता है, क्योंकि 2 घंटे एक समय दिया हुआ है, फिक्स टाइम नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहाँ आना था 2 hours ago। समझ में आया कि नहीं आया? बिफोर कब लगाते हैं, जब ऐसे पॉइंट दिए हों, बात को समझ लो, हाथ जोड़ के निवेदन है, अप्रैल 2005 दिवाली, राखी के पहले बिफोर राखी, दिवाली के पहले बिफोर दिवाली, 4 घंटे पहले 4 hours ago, 4 hours ago, समझ में आया? 10 घंटे पहले 10 hours ago, 4 महीने पहले 4 months ago, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो
अगो कब लगाना है? अगो समय के पहले लगाना है जो समय निश्चित ना हो, है ना, अनिश्चित समय के पहले। अगर आपको और समझना हो तो ये समझ लो कि बिफोर लगाते हैं सिंस वाले टाइम पर और अगो लगाते हैं फोर वाले टाइम पर। अब तो क्लियर रहेगा ना दोस्त, अब तो क्लियर है ना। फहीम थैंक यू भाई, आई एम फ्रॉम यूएई। चलो भैया हमारे साथ दुबई से भी लोग जुड़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। सुरेश कुमार आई एम फ्रॉम इंडिया। जी भैया मैं भी इंडिया से ही हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे बाहर से जुड़ जाते हैं तो बोल देते हैं तुम इतनी क्यों तकलीफ कर रहे हो भाई, ठीक है, चलिए हम सब एक जैसे ही हैं। तो ये क्लियर है, तो ये बिफोर और अगो। तो मैंने आपको पहला प्रिपोजिशन पढ़ाया बिफोर, उसमें मैंने आपको समझाया था दो कंडीशंस। आपका टेस्ट हमने अप्लाई कर दिया है। लोकेश चौधरी थैंक यू सो मच लोकेश फॉर डोनेटिंग अस 100 रुपीज। लोकेश ने हमें 100 रुपीज डोनेट किए हैं, और जो भी डोनेट करेगा, देखो चैट में एक ऑप्शन आता है डॉलर बना हुआ साइन आता है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मीना हसवानी आई एम फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू ज्वाइनिंग फ्रॉम कैनेडा। दिनेश ठाकुर आई एम फ्रॉम नेपाल, थैंक यू भाई साहब नेपाल से जुड़ने के लिए, बाकी सब तो इंडियंस हैं। ओके रूही खान आई एम फ्रॉम आसाम, थैंक यू फ्रॉम आसाम। बाकी बिहार के तो मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, तो बिहार का नाम नहीं लो तो अच्छा, क्योंकि बिहारी तो मेरे मन मन में बसे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, क्लियर है यहाँ पर। तो बिफोर और अगो में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जांपल से यहाँ पर फटाफट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आज थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, क्लास थोड़ी लंबी भी चल सकती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लंबे समय तक बने रहे। प्रपोजिशन की आज लास्ट क्लास है, ठीक है, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो जितने भी प्रपोजिशन आज पढ़ना है पढ़ लेना। मैं सोने से पहले पढ़ती हूँ तो कैसे बोलोगे? आई स्टडी बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले मैं पढ़ती हूँ। अच्छा ध्यान रखना एक मजे की बात, एक ग्रामेटिकली टर्म्स आपको बता देता हूँ बेटा, बिफोर और आफ्टर इन दोनों के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। बिफोर और आफ्टर के पहले कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, जैसे जाने के बाद आफ्टर गोइंग, आने से पहले बिफोर कमिंग, तो बिफोर और आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना। इसलिए बिफोर के बाद स्लीपिंग आया, स्लीप नहीं आया, वह तुमसे पहले बोलना सीखेगा, तो कैसे बोलेंगे? ही विल लर्न क्या सीखेगा? ही विल लर्न स्पीकिंग तुमसे पहले, तो यहां बोलेंगे बिफोर यू, क्या बोलेंगे? बिफोर यू। मैं तुमसे पहले ऑफिस आऊंगी, आई विल कम ऑफिस बिफोर यू, इस तरीके से, ठीक है। तो आप बिफोर के एग्जांपल्स बना लोगे। तो हाँ मैंने बेटा एक टेस्ट अपलोड कर दिया है, प्रिपोजिशन का टेस्ट अपलोड किया है। आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर टेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने पिछले 3 क्लासेस में आपको प्रपोजिशंस पढ़ाए हैं, संडे ट्यूसडे और आज, है ना। तो उसका टेस्ट आप इस क्लास के बाद दे सकते हैं, मास्टरडी ऐप पर जाना है। अगर आपने अभी तक मास्टरडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ये फ्री टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। मास्टरडी ऐप पर जाना, ऐप पर जैसे आप जाओगे, ऐप खोलोगे तो यहाँ पर कोने में आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, इन 3 डॉट पर क्लिक करना। मैं बता देता हूँ टेस्ट कहाँ मिलेगा, क्लास के बाद देना, अभी नहीं देना। ये मोबाइल है, ये मास्टरडी ऐप है। जो टेस्ट देना चाहते हैं, टॉप 50 बच्चों को मैं कुछ ना कुछ पुरस्कार देता हूँ, तो यहाँ पर 3 लाइन आएगी यहाँ पर, तो इस 3 डॉट पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, फ्री स्टडी मटेरियल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सीधा टेस्ट पोर्टल खुल जाएगा। टेस्ट में लिखा हुआ है 60 डेज 4 अक्टूबर टेस्ट, समझ में आ गया। मास्टरडी ऐप ओपन करोगे, 50 नंबर का टेस्ट है। जितने भी प्रिपोजिशन मैंने पिछले 3 दिन में पढ़ाए हैं, उन सभी प्रिपोजिशंस को मैंने इस टेस्ट में लिया है। जो टॉप 50 बच्चे आएंगे उनको मैं अब उनका नाम अनाउंसमेंट करूंगा, और इस बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा टेस्ट का, इसलिए आपको लाइव क्लास में बता दिया है। तो कहाँ जाना है? मास्टरडी ऐप पर जाना है, लेफ्ट में सबसे ऊपर 3 डॉट्स आएंगे, वहाँ क्लिक करना है। वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ टेस्ट पोर्टल में जाना है, वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मैं अनाउंस करूँगा। ये टेस्ट कब तक चलेगा? तो ये टेस्ट है आज की 4 अक्टूबर से लगाकर, ये है गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 5, 6, 7 अक्टूबर तक, 3 दिन तक ये टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल रहेगा।
7 अक्टूबर को 8 बजे ये टेस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब वहां से हट जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और आपका जो है 8 अक्टूबर को इस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। तो टेस्ट रिजल्ट विल कम एट 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाए, क्लियर है? तो जाके टेस्ट जो है आप दे देना। अब आगे बढ़ जाते हैं वापस, तो ये आ गया। अब हमारा अगला प्रीपोजिशन हम पढ़ रहेंगे आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में, ठीक है, जैसे समय के लिए करते हैं, बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन भी दोस्तों ने अभी तक मास्टर्डी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप मास्टर्डी ऐप की लिंक को चैट में देखिए, सबसे ऊपर दी हुई है, 2 मिनट का टाइम निकालिए, मास्टर्डी ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे प्रीपोजिशन आज बहुत सारे पढ़ाने वाला हूँ, तो सारे प्रीपोजिशन की लिस्ट मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मास्टर्डी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बहुत सिंपल है आज। वह मेरे बाद आया, ही वह मेरे बाद आया, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे केम आएगा क्योंकि ये गलत टेंस है। ही केम आफ्टर मी, वह मेरे बाद आया, पास्ट टेंस है। किसी के पीछे पड़ना, जब किसी के कोई पीछे पड़ जाता है तब भी हम आफ्टर लगाते हैं। मेरा भाई पापा के पीछे पड़ा हुआ है, माई ब्रदर इज आफ्टर माई डैड, ठीक है। मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ ब्लैक स्क्रीन पर, देखो अच्छे से समझाता हूँ। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। एक तो इसका क्या होता है, एक तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं टाइम के लिए, टाइम के मतलब कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, ठीक है। जैसे आपने कहा कि बाद में आना, थोड़ी देर बाद आना, थोड़ी देर बाद आना, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, जरा बताओ जरा। तो कम आफ्टर सम टाइम, कम आफ्टर सम टाइम। तो यहां पर इस आफ्टर का मतलब होता है थोड़ी देर बाद आना, है ना, गाना सुना होगा ना, तो थोड़ी देर बाद, ये वाला गाना। लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आफ्टर का किसी के पीछे लगने के लिए। तो यहां पर देखो, इस आफ्टर का मतलब होता है पीछे पड़ना, पीछे पड़ना, है ना, या किसी को फॉलो करना, किसी को क्या करना, फॉलो करना, वहां पर भी आफ्टर लगाते हैं। बोलचाल की भाषा में ध्यान रखना, जैसे वह मेरे पीछे आ रहा है, वह मेरे पीछे आ रहा है, वह मेरे पीछे आ रहा है, इसको कैसे बनाओगे, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना है, वह मेरे पीछे आ रहा है, कम ऑन, कैसे बनाओगे, मास स्टडी पर लाइव क्लास कब चालू होगी, मास स्टडी पर लाइव क्लास चली रही है। अगर आप ऐप की बात कर रहे हैं तो ऐप में आपने देखो, जिन बच्चों ने भी मास स्टडी ऐप पर एडमिशन लिया है, तो नई बैच स्टार्ट हो रही है 10 तारीख से, तो 10 तारीख के पहले अगर आपने कोई सा भी कोर्स खरीदा हो, एक बार 7 या 8 तारीख को कॉल करना, मैडम को नंबर दिया है ना, दोनों नंबर पर ट्राई करना ऑफिस टाइम में 11 से 5 के बीच में, कि मैम हमने एडमिशन ले लिया है, आप हमें लाइव क्लास में ऐड कर दीजिए, तो आपको लाइव क्लास में ऐड कर देंगे, ठीक है, कॉल जरूर करना। बहुत सारे बच्चे कॉल करते, मैं बोलता हूँ ऑफिस टाइमिंग 11 से 5 का है, उसमें कॉल करिए, आपके कॉल्स अटेंड करेंगे। अब आप रात को 11 बजे कॉल करते तो इस समय तो नहीं पॉसिबल होता है ना यार, फिर आप नाराज होते हो। चलिए, तो वह मेरे पीछे आ रहा है कैसे बनाएंगे, कौन सा टेंस से पहले, टेंस पहचानो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वह को बोलेंगे ही के साथ आएगा इज, आने को बोलते हैं कमिंग, ही इज कमिंग। अब पीछे के लिए लगाते हैं आफ्टर, आफ्टर मी, वह मेरे पीछे आ रहा है, इज कमिंग आफ्टर मी, ठीक है, मेरे पीछे मत आओ, तो क्या बोलोगे, डोंट कम आफ्टर मी, डोंट कम आफ्टर मी। इसकी जगह पे आप एक और लाइन बोल सकते हो कि डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी, तो आफ्टर की जगह पर आप फॉलो भी लगा सकते हो, क्योंकि फॉलो करने का मतलब भी पीछा करना ही होता है, समझ में आया। तो आफ्टर मतलब एक तो होता है टाइम के लिए करते हैं, आने बाद में, ठीक है, जैसे हम किसी को बोल थोड़ी देर बाद आना, प्लीज कम आफ्टर सम टाइम, है ना, मैं दिवाली के बाद अमेरिका जाऊंगा, आई विल गो टू अमेरिका आफ्टर दिवाली। तो एक तो समय बताने के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और एक होता है पीछे पड़ना, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद करो मेरे साथ बोलो, आफ्टर मतलब होता है पीछे, अरे अभी हमने पढ़ा था ना, बिफोर मतलब सामने, बिफोर मतलब सामने, और आफ्टर मतलब पीछे,
इस तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है पूरा, दो एग्जांपल्स थे, ठीक है। इसके पांच क्वेश्चंस हैं, ये पांच क्वेश्चंस मैं आपको करने को दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक या दो एग्जांपल कर देता हूँ। मैं नेहा के बाद बोलूँगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाओ, आई विल स्पीक आफ्टर नेहा, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई स्पीक आफ्टर नेहा। पापा के जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर, आई कम आफ्टर पापाज डिपार्चर, जाने के लिए हमने यहाँ पे डिपार्चर यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आफ्टर के लिए इजी है, मैं आज ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आता है टिल अनटिल, देखो ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ये एग्जाम में ना सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है, बहुत बारीक सा। टिल अनटिल का मतलब सुना ही होगा, तक, है ना, बोलते हैं जब तक मैं नहीं आ जाऊँ तब तक तू यहाँ खड़े रहना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो टिल अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाता है, जब समय के साथ होने वाले वाक्यों में जब या तक का अर्थ हो तब हम लगाते हैं, टिल अनटिल का प्रयोग करते हैं। हम साढ़े तीन तक आपकी राह देखेंगे। देखो टिल का मतलब बेसिकली आप तो दिमाग में ये फिट कर लो कि टिल मतलब होता है तक, जैसे चार बजे तक तू यही खड़े रहना, तो तक आ जाए तो टिल लगाना है, अनटिल को तो भूल ही जाओ, अभी पहले टिल की बात करते। क्योंकि होता क्या है, जब हम दोनों बहुत क्लोज मीनिंग वाले वर्ड्स को समझने की कोशिश करते तो दोनों ही समझ में नहीं आते, होता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि हम दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम एक ही को समझ लेते हैं, एक को ही समझ लो कि टिल मतलब होता है तक, टिल मतलब क्या होता है, तक होता है। अच्छा बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, फटाफट इस लाइव क्लास को लाइक करिए। आप क्लास में आते आपको बोला है प्रेजेंट लगाना है, कैसे प्रेजेंट लगाना है, लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ जाते, तो हम 3:40 तक आपकी राह देखेंगे। अब यहां देखो 3:40 तक हम आपकी राह देखेंगे, तो कौन सा टेंस है भैया, टेंसेस तो मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं करवा रहा हूं। वी विल वेट फॉर यू टिल 4:30। जैसे आपको एक और सेंटेंस बोलना हो कि मैं 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, मैं 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, कैसे बोलेंगे, आई विल टीच यू टिल 9 o'clock, आई विल टीच यू टिल 9 o'clock, 9 बजे तक, तो 9 बजे तक के लिए टिल 9 o'clock लगाया, समझ में आया। मैं 4 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू टिल 4 o'clock, समझ में आया कि नहीं आया, आई विल वेट फॉर यू टिल 4 o'clock, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। तो आप इतना याद कर लिया, अब देखो अब यहां पर अनटिल को समझने की कोशिश करते हैं। बट टिल तो समझ में आ गया, टिल का तो हमने क्लियर कर लिया कि टिल का मतलब होता है तक। अब अनटिल क्या है, अनटिल ना एक कंडीशनल सेंटेंस है, क्या है अनटिल, क्या है एक कंडीशनल वाला मामला है। अब कंडीशनल क्या है, जब तक, जैसे मैंने कहा जब तक मैं आ ना जाऊं, समझना बात को, तब तक तुम यहीं रहना, तब तक तुम यहीं रहना। अब ये क्या है, यहां पर एक प्रीपोजिशन के रूप में काम नहीं कर रहा है, यहां पर एक कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आता है। ये जो टिल होता है ना, ये टिल हमेशा ऐसे आता है, टिल 4 o'clock, बस वाक्य खत्म हो जाता है, टिल 7 o'clock,
इस तरह यहां पर क्या होगा, यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ो, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम यहीं रहना। तो यहां पर ये एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे कि यू स्टे हियर, तुम यहीं रहना, समझना ग्रामेटिकल टर्म्स है, यू स्टे हियर अंटिल आई कम बैक। समझ में आया? थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि चीजें हमेशा आसान नहीं होती है सब, है ना, चीजें हमेशा क्या नहीं होती है, आसान नहीं होती है, तो कुछ कठिन चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। तो बात को समझो, मुझे पता है कि ये अनटिल टिल थोड़ा सा ग्रामेटिकल लग रहा है लेकिन ये बोलने में उतना ही डिफिकल्ट होता है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्लीज फोकस हियर। हाँ सुंदर नागपाल, देखो अगर आपको आईफोन में मास्टर डेप डाउनलोड करना है आईफोन में, तो आपको हमारा वहाँ पे माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। जिनको आईफोन में डाउनलोड करना है उसकी लिंक मैं भेज दूंगा, आप माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस से, वहाँ से हो जाएगा। क्लास प्लस पे जाना और वहाँ पर हमारा एक कोड है VDAXT, ये कोड डाल के आप classplus.com पे जाइए, वहाँ पर अपने नंबर से लॉगिन करिए, हो जाएगा। तो आईफोन में डाउनलोड करने के लिए अलग से मांगता है, मैं डाल दूंगा लास्ट में। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, मुझे और भी पढ़ाना है इसलिए टाइम बचेगा तो लास्ट में बता दूंगा। आगे आते हैं अंडर। अब देखो अंडर और इसका होता है अबो, ठीक है, अंडर और ओवर। तो अंडर ओवर को हम पढ़ लेते हैं। अब अंडर ओवर को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं तो वहां पर जो है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो प्रीपोजिशन को ना जितना डायग्राम से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। एक होता है हमारा अंडर, आने नीचे की ओर, एक बार में आज समझ लेना अच्छा रहेगा, आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओवर मतलब होता है ऊपर की ओर। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। अंडर का मतलब होता है जब आप किसी ऐसी वस्तु के नीचे होते हैं जो वस्तु आपके जस्ट ऊपर हो और आप उससे घिरे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेड़ है, ये एक मोटा सा पेड़ है और इस पेड़ के नीचे बबलू खड़ा है। कौन खड़ा है? बबलू। अब एग्जाम्पल है कि बबलू पेड़ के नीचे है, बबलू पेड़ के नीचे है, तो यहां पर जो सेंटेंस बनेगा, क्योंकि बबलू पेड़ से घिरा हुआ है इसलिए ये अंडर द ट्री आएगा। तो आप सेंटेंस बोलोगे कि बबलू इज अंडर ट्री। समझ में आया? बिलो नहीं लगाना है, अंडर लगाना है। तो यहां पर आपने प्रीपोजिशन क्या लगाया? अंडर लगाया। अब उसी प्रकार ओवर की तरफ देखते हैं तो यहां पर कोई चीज ऊपर की दिशा की दिखाते हैं, ऊपर की साइड वाली चीज दिखाते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बबलू जो है ना वो यहां खड़ा है, ये बबलू खड़ा है और बबलू के जस्ट माथे के ऊपर एक पंखा है, है ना। तो बबलू क्या बोलता है? बबलू बोलता है कि मेरे सर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। तो जब कोई चीज जिसके हम नीचे होते हैं और वो चीज हमारे जस्ट ऊपर होती है तो नीचे वाली वस्तु को बताने के लिए हम अंडर लगाते हैं, और जब ऊपर वाली वस्तु बतानी हो तो आप ओवर लगाएंगे, लेकिन वो वस्तु आपके जस्ट ऊपर होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, कुछ लोगों के आंसर्स भी आ गए हैं। चलिए तो अब यहां पर जब आप इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि द फेन इज ओवर माय हेड, फेन इज ओवर माय हेड, ठीक है।
क्लियर है? तो अंडर मतलब होता है नीचे, ओवर मतलब होता है ऊपर। और क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं अंडर ओवर के? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। देखिए, एक तो अंडर होता है किसी चीज के नीचे, से हम एक ही छत के नीचे पढ़ाई करते हैं तो कैसे बोलेंगे? वी ऑल स्टडी अंडर वन रूफ। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि हम एक ही परिवार में रहते हैं, तो लोग कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, ये सब मेरे भाई बहन है एंड वी लीव अंडर वन रूफ। तो कोई ऐसा बोल दे कि वी लीव अंडर वन रूफ, विच मीन्स कि हम एक ही परिवार के हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आ जाएगा। नीचे की वस्तु दिखा, जैसे एक टेबल है उसके नीचे बिल्ली छुपी हुई है, तो वेयर इज अ कैट? द कैट इज अंडर द टेबल। चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, समझ में आया? अगर ऐसा चिपका हुआ रहेगा तो ऑन आ जाएगा। इसके नीचे गैपिंग होनी चाहिए, नीचे वाली वस्तु और ऊपर वाली वस्तु के बीच में गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो ही अंडर आएगा, ठीक है? तो बबलू पेड़ के नीचे है, बबलू पेड़ से घिरा हुआ है, इस तरीके से। मैं तो तुम्हारे शरण, मतलब बोलते ना कि मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, आई एम अंडर योर रूल, मैं तुम्हारे रूल में हूँ, इस तरीके से। अब एक ना अंडर और ओवर का इस्तेमाल हम लोग प्राइस के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्राइस के लिए। तो बात को समझना, जैसे हमें प्राइस बतानी हो तो प्राइस के लिए भी हम क्या करते हैं? हम प्राइस के लिए भी हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एक यहाँ अलग समझा देता हूँ आपको तो अच्छा रहेगा। ये अंडर ओवर के बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अंडर का एक और मीनिंग होता है मात्रा से कम, और ओवर मतलब मात्रा से अधिक। मात्रा से कम और मात्रा से अधिक। अब बात को समझना दोस्त, देखो जब कोई चीज किसी डिमांड की गई मात्रा से कम हो, जैसे मान लो आप पुलिस में भर्ती होने चले गए, पुलिस में मैं भी भर्ती होने चला गया था वैसे, तो वहां पर ना चेस्ट को मेजर किया जाता है, चेस्ट को, है ना, हाइट को मेजर किया जाता है। तो जब आपका चेस्ट मांगा गया जो चेस्ट था उससे कम है, तो पुलिस वाले ने क्या बोला कि तुम्हारा सीना पर्याप्त नहीं है। इसे कैसे बोलेंगे? तुम्हारा सीमा सीना सीना ने चेस्ट की बात करें, मेल के चेस्ट की बात करें, तुम्हारा सीना पर्याप्त नहीं है, कैसे बोलेंगे? क्योंकि जितना डिमांड करना था उससे आपका सीना कम निकला, तो कैसे बोलेंगे? सिद्धार्थ सिंह बोला टेस्ट में टॉप कर दिया, अच्छी बात है, सभी लोग टेस्ट देना। कुछ लोग तो टेस्ट दे के वापस भी आ गए। ओवर नहीं आएगा बेटा, अंडर आएगा। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा सीना पर्याप्त नहीं है, तो आप बोलोगे यू आर अंडर चेस्ट। तो आपने किसी को अंडर चेस्ट बोल दिया तो आपने ये बोला कि तुम काबिल नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया? तुम काबिल नहीं हो। जैसे मैंने बोला कि अरे यार तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तो यू आर अंडर एज, यू आर अंडर एज, मतलब तुम अभी उस उम्र के लायक नहीं हो जिस तुम काम को करने जा रहे हो। तो अंडर मतलब कम मात्रा दिखाना, पर्याप्त तो मात्रा नहीं दिखाना। और इधर ओवर में क्या होता है? इधर ज्यादा हो जाता है, ठीक है? उसकी उम्र ज्यादा है, ठीक है? मेरा दोस्त है घासीराम, आप सबको जानते होंगे मेरे दोस्त को। तो मेरा जो दोस्त है घासीराम वो बहुत खुश था। मैंने कहा भाई इतना खुश क्यों है? बोले सर कल लड़की देखने जा रहा हूँ शादी के लिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। सेकेंड डे आया वापस, बहुत बैठा हुआ था, निराश था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले सर लड़की देखने गया था लेकिन दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्यों भाई? बोले कि सर मुझे मेरी उम्र 16 साल की और लड़की की उम्र 40 साल की थी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? बोले हाँ सर। तो मैंने कहा ये तो वो बात हो गई यार कि उसकी उम्र ज्यादा थी, तो क्या बोलोगे अंग्रेजी में? तो आप बोलोगे कि शी वॉज ओवर एज्ड, शी वॉज ओवर एज,
ओवर एज का मतलब क्या होता है? एक मांगी गई उम्र से ज्यादा होना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ज्यादा होशियार मत बनो, ज्यादा कैसे बोलेंगे इसे, ज्यादा होशियार मत बनो। हाउ विल यू से दिस, हाउ विल यू स्पीक? डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, है ना? तो आप ऐसे क्यों बोलते हो कि डोंट ओवर स्मार्ट क्यों बोलते हो? क्योंकि मतलब हम बोलते हैं एक तो स्मार्ट है, अच्छी बात है, पर ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। तो ओवर तब लगाते हैं जब कोई चीज एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, वहां पर बेसिकली ओवर लगाया जाता है। जैसे दूध जब बह जाता है एक पोट से तो क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो जाना मतलब किसी चीज का ज्यादा हो जाना। तो ओवर का मीनिंग आप ये समझिए मोटा मोटा कि किसी भी मात्रा का ज्यादा हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना, ओवर एज हो जाना, है ना, ओवर हाइट हो जाना, ओवर डिस्टर्ब हो जाना, ओवर ईटिंग कर लेना। कोई ज्यादा शादियों में खाना खाते हैं, है ना? अब जब शादियों में खाना खाने जाते हैं तो वही होता है कि फ्री में खाना मिल जाता है कॉलेज लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा खाए तो फिर ओवर ईटिंग होने से वोमिटिंग होती है। तो क्या बोलते हैं, अरे यार उसने ओवर ईटिंग कर ली। तो ओवर ईटिंग कर ली मतलब ज़्यादा खाना खा लिया। ओवर एक्टिंग नहीं बेटा, ओवर ईटिंग की बात कर रहा हूँ। ओवर एक्टिंग में, हाँ सही बात है निशा, ओवर एक्टिंग भी तो करते हैं कुछ लोग। ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, ठीक है? तो ओवर एक्टिंग मतलब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप इस तरीके से समझ में आ गया, मैंने आपको लगभग सारे पॉइंट कवर करवा दिए, ठीक है? अब जो है ये देखो, मैंने अंडर ओवर का एक बेसिक एग्जांपल बताया था स्पेस के लिए, और यहां पर मैंने और भी इसके यूजेस आपको बता दिए हैं। अब अराउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। अब अराउंड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे। अराउंड का उपयोग हम आसपास के लिए करते हैं, अराउंड का उपयोग हम प्राइस का जजमेंट लगाने के लिए करते हैं। किसी की उम्र हम बोलते हैं, अरे यार ये कितने का होगा, है ना, मेरी उम्र कितनी होगी चलो बताओ। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, तो आप एक आसपास बताओगे, चलो बताओ मेरी उम्र कितनी होगी, बताओ बताओ। तो आप जजमेंट लगाओगे ना, तो उसी को तो अराउंड बोलते हैं। चलिए, सैयद मुस्तफा वैभव 40, अरे बस कर लो रे, 40 का दिख रहा हूं मैं, इतना स्मार्ट हूं। एक देखो प्रजापत 70 का बोल रहा है, कुछ लोग तो मुझे मारने पर ही तुले हो। दीपक सिंह, हाउ इज योर हेल्थ? मैं ठीक हूं आप दीपक, मेरी हेल्थ ठीक है। किसी का भी राइट आंसर नहीं है, तुक्के मारते रहो। आई एम अंडर 30 बेटा, जिसने भी मुझे 35 प्लस बताया उसके सपने में भूत आएगा आज तो। चलिए, आई एम अंडर 30, आगे बढ़ जाते हैं। अराउंड मतलब अराउंड मतलब होता है चारों ओर। तो पहले तो देखो इसके तीन चार मीनिंग है। एक अराउंड का हिंदी अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, ठीक है? तो चारों ओर को जो है हम अराउंड बोलते हैं। जैसे वह पूरी दुनिया घूम रहा है, तो ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड। ये आपने देखा होगा सेंटेंस, कई बार बोला जाता है ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, वह चारों ओर घूम रहा है ना। लुक एट अराउंड मी बोलते ना, मेरे चारों ओर देखो, तो क्या बोलेंगे, लुक एट अराउंड मी। आसपास यानी मैं यही पास में रहता हूँ, आई लिव जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मैं आसपास रहता हूँ, तो अराउंड द कॉर्नर भी बोला जाता है। लगभग करीब करीब, मेरा दोस्त लगभग 20 साल का है, माई फ्रेंड इज अराउंड 20। तो अल्टीमेटली ये जो है ना अराउंड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ विच विल हेल्प यू अलॉट। यहाँ देखिए, क्योंकि आपको ना ब्लैक बोर्ड पर ही समझ में आता है, काला अक्षर बेस बराबर दिखता है तभी मजा आता है। अराउंड का इस्तेमाल एक तो हम लोग किसके लिए करते हैं, पहला हैशटैग डाल लो आसपास, आप सब लोग अपने अपने नोट्स बनाओ। दूसरा होता है ना, हम एक प्राइस के लिए भी करते हैं। तीसरा, हम लोग एक एज बताने के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये टी शर्ट कितने रुपए की होगी, मैंने कहा कि ये टी शर्ट कितने रुपए की होगी, तो यू विल पुट अ जजमेंट। व्हाट विल यू से, सर दिस मे बी अराउंड, तो आप ऐसे अराउंड करके बोलोगे, सर ये होगी अराउंड 500 रुपीज की,
इस तरीके से बोलो, मेरी उम्र कितनी होगी? तो आपने कहा सर यू आर अराउंड, है ना, आप बोलोगे कि यू आर अराउंड 30, जैसे आपने बोल दिया इस तरीके से। तो एक एज बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए, जजमेंट लगाने के लिए भी अराउंड हम लोग लगभग, मतलब इसका मीनिंग हम लग सकते हैं लगभग, वहां पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो एक प्रैक्टिस शीट है, जैसे वह स्कूल के चारों ओर घूम रहा है तो कैसे बोलेंगे? तो आप यहां पर बोलेंगे ही इज, आप घूमने को रोम करते हैं बेटा, रोम बोलते हैं, तो ही इज रोमिंग अराउंड द स्कूल, ही इज रोमिंग अराउंड द स्कूल। मेरे पास लगभग 5 किताबें थी तो आई हैड अराउंड 5 बुक्स, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। वह अपने चारों ओर देख रहा था, ही वॉज लुकिंग अराउंड हिमसेल्फ। तो सेंटेंसेस को अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया जनरेट होगा। इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। देखो इंग्लिश सीखने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक तो चाहिए हमें कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 या 2 दिन मेरे वीडियो देखने से इंग्लिश नहीं आएगी, पूरे 60 दिन की क्लासेस day 1 से लगाकर day 60 तक देखनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, 1 घंटे की क्लास के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का होमवर्क करना पड़ेगा और 10 से 15 मिनट इंग्लिश में किसी से बात करनी पड़ेगी। अब अगर आपकी पुरानी क्लासेस छूट गई है तो मास्टरडी ऐप पर जाना, वहां पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, उस कोर्स को आप बाय कर लेना, ₹300 में पूरा कोर्स दे रहा हूं 60 दिन का, ताकि आपकी पुरानी क्लासेस आपको मिल जाए। नंबर 2, अगर आपको लगे कि सर ना मुझे बात भी करनी है, आई नीड समवन टू टॉक, मुझे पार्टनर चाहिए बात करने के लिए, तो उसके लिए आपको हमारी किसी भी पेड बेच में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 1-way कम्युनिकेशन है दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ग्रुप चाहिए 25-25 बच्चों का, 25 की हमारी बैच होती है, तो बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना। आपको 10 तारीख से वहाँ पर अभी उसकी बुकिंग चालू हो गई है, 10 तारीख को हमारी 2 नई बैच स्टार्ट हो रही है, 9:00 PM, शाम को 8 से 9 और 9 से 10, 2 बैच स्टार्ट हो रही है, 10 तारीख को लाइव क्लास रहेगी, तो वहां पर आप एडमिशन ले लेना, उसके एडमिशन चालू हो चुके हैं, बाद में फिर हम लोग 7-8 तारीख तक फुल हो जाते हैं, 10 तारीख वाली बैच के 7-8 तारीख तक एडमिशन ही फुल हो जाते हैं, तो इसलिए आप चाहो तो वहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस करने का बोलने का मौका मिलेगा, आप सिर्फ सुनोगे नहीं और आपको रोज हम करेक्ट करेंगे कि कैसे बोलते हैं। तो फटाफट मास्टरडी ऐप डाउनलोड करके अपने मनपसंद बैच में एडमिशन ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर देखिए हमारा अगला प्रीपोजिशन है अबो। अब ये अबो और बिलो दोनों में साथ में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अबो और बिलो में मैं साथ में पढ़ा देता हूं, दैट वुड बी मच बेटर। तो अबो और बिलो यहां देख लेते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। चलिए, ये दोनों ओवर अंडर जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस इनमें, अबो मतलब होता है ऊपर, बिलो मतलब होता है नीचे। अब देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड कंसेप्ट देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। हम ऐसे प्रीपोजिशन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है अबो में और ओवर में, क्योंकि देखो एक होता है आपका अबो और एक होता है आपका ओवर, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों का मतलब ही होता है ऊपर, लेकिन ये हमेशा सीधे ऊपर वाली वस्तु को दिखाता है, और ये अबो मतलब कहीं भी आड़ी टेढ़ी वस्तु भी हो सकती है। तो मैं इसको समझा देता हूं, देखो एक तरफ पहले कंसेप्ट समझ लो उसके बाद पढ़ाऊंगा। ओवर का मतलब क्या होता है? सीधे ऊपर, और ये इसका मीनिंग होता है ऊपर। मैं यहां खड़ा हूं और कोई वस्तु अगर मेरे से इधर भी खड़ी है ना और ऊंची है ना, तो ये अबो की कैटेगरी में आती है, और मैं यहां खड़ा हूं
और कोई मेरे वस्तु जस्ट ऊपर है तो ये ओवर की कैटेगरी में आता है। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु मेरे जस्ट ऊपर है तो वो मेरे ओवर है, ओवर जस्ट ऊपर है, माथे के जस्ट ऊपर, समझ में आ रहा है। और कोई वस्तु मेरे इसे साइड से ऊपर है तो वो अबो की कैटेगरी में आती है। समझ में आया कि नहीं आया? एक जजमेंट समझो, समझ में आया? सोनम चौहान सर मेरा नाम ले लो, थैंक यू सोहाना सोनम जी, आपका नाम ले लिया, ठीक है। नाम के पीछे पड़े हैं, काम नहीं करेंगे, नाम बताओ सर, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब अबो मतलब होता है ऊपर, तो फॉर एग्जाम्पल कि हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। अब मान लीजिए कि ये बहुत सारे बादल हैं और इनमें कहीं ना कहीं आपका हवाई जहाज उड़ रहा है, है ना, ये बादल हैं, मैं बादल बना देता हूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो ये आपके बादल है और हवाई जहाज जो है वो इन बादलों में उड़ रहा है, लेकिन बादलों के एग्जैक्ट ऊपर है क्या? नहीं है ना, तो जजमेंट लगाना मुश्किल है क्योंकि वो तो गतिशील अवस्था में। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम अबो लगाएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे आप लोग, जरा बनाओ। तो जब आपको ऊपर की ऊंचाई थोड़ी सी मेजर करना मुश्किल हो जाए वहां पर अबो लगाना होता है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबोव द, बादल नहीं बेटा क्लाउड्स आएगा, तो आप लगाओगे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स, अबोव क्लाउड्स। तो यहां पर हमने अबोव क्लाउड्स क्यों लगाया, क्योंकि हम ऊंचाई नहीं माप सकते कि वो बादलों के जस्ट ऊपर है या उसके आगे ऊपर है। समझ में आया? अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दीजिए, जो लोग लेट आए हैं उनसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है फटाफट आज के सेशन को लाइक करो। और आज मैंने बहुत सारे प्रिपोजिशंस पढ़ाए हैं, अभी और भी आने वाले हैं, तो फटाफट आप क्या करो कि सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को शुरू से देखना, ठीक है। तो अबो मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर कोई चीज़ होना। जैसे आपने एक पोयम पढ़ी होगी बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबो द वर्ल्ड सो हाई, एक लाइन है उसमें, अप अबो द वर्ल्ड सो हाई। तो उसमें लाइन की दुनिया के सबसे ऊपर क्या है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड सो हाई, वर्ल्ड बहुत ऊंचा है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो जब किसी चीज का जजमेंट लगाना मुश्किल होता है वहां पर अबो आता है, बहुत ज्यादा गैप। सर कृपया मेरा नाम लो, मेरा नाम मुंबई महाराष्ट्र से, मैं आपका नाम ले लेता हूं। सुमित कुमार जी बोल रहे हैं सर मेरा नाम लो, कृपया मुंबई महाराष्ट्र भारत में नया शामिल हो। चलिए कुछ भी लोग आ जाते हैं, क्या करें यार। चलिए आगे बढ़े, तो अब वो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बिलो के ऊपर। बिलो का मतलब होता है नीचे, जैसे हम बादलों के नीचे हैं तो हम बोल सकते हैं हम, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं। मैं इसको कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। मान लीजिए आपका ये घर है, तो ऐसा तो है नहीं कि घर के नीचे हूं तो घर के नीचे दबा गया, अंडर की साइड नहीं हूं, घर के साइड से खड़ा हूं, यहां पर खड़ा हूं घर के नीचे, ये आपका घर है ना, तो घर के नीचे हूं, तो इसलिए साइड से को भी नीचे ही बोलते हैं, साइड से नीचे ही बोलते हैं ना, तो इसलिए यहां पर बिलो आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा कि आई एम स्टैंडिंग बिलो, आई एम स्टैंडिंग बिलो योर हाउस, इस तरीके से आई एम स्टैंडिंग बिलो योर हाउस। तो आपको ये समझना है मोटा मोटा कि बिलो और अबो जो होता है ना
वो एक एक्सपेक्टेड डिस्टेंस को दिखाता है और अंडर और ओवर ना स्ट्रेट दिखाता है. ओवर मतलब कोई चीज़ जस्ट ऊपर, अंडर मतलब कोई चीज़ जस्ट नीचे, अबो मतलब बहुत ऊपर, बिलो मतलब बहुत नीचे या साइड से नीचे. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हम इसके पढ़ लेते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं. देखो, अधिक ऊंचाई पर होना, चांद हमारे सिर के ऊपर है, द मून इज अबो आवर हेड. जो कोई चीज बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होगी जिसका जजमेंट नहीं लगाया जा सकता, अबो आता है. कोई चीज जब एक सरफेस लेवल से ज्यादा है, जैसे नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे? अबो लगाएंगे. वह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, एक डेंजर मार्क होता है पानी में, तो जब खतरे के निशान से ऊपर कोई चीज हो जाएगी तो वहां पर हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अबो. दैट रिवर वॉज फ्लोइंग अबो द डेंजर मार्क. तो खतरे के निशान से ऊपर होना. और एक होता है, ये छोड़ दीजिए तो काम की बात नहीं है, एक आपका बिलो में आपको पढ़ा देता हूँ. बिलो मतलब कोई चीज नीचे के अर्थ में होती है. जैसे नेहा के अंक मुझसे कम है तो नेहा's मार्क्स आर बिलो मी. कोई रैंक कम होती वहां भी हम लगाते हैं. जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंडर में काम करता है वहां भी हम लगाते कि ही वर्क्स अंडर मी. तो यहां पर बिलो में रैंक की बात हो जाएगी. तो नेहा के मार्क्स मुझसे कम है, बिलो मी आ गया, है ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेल्थ इज बिलो हेल्थ, तो ये एक भाववाचक संज्ञा को बताने के लिए भी हमने लगा दिया. बाकी कोई इसमें विशेष दम है नहीं. हाँ, अब ये वाला प्रीपोजिशन बहुत काम का है, ये भी आपको मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है आज. आज मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि प्रेपोजिशंस को 3 दिन हो गए थे, मेरा परसों छुट्टी हो गया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. तो मैं सोचा आज मुझे सारे प्रेपोजिशंस कवर करना है ताकि मैं कल से क्लास अगर मैंने कंटिन्यू की तो कुछ नया टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको. तो अप का मतलब होता है ऊपर होना. अब देखिए बेसिकली एक अप का मतलब होता है समाप्त होना. तो अप के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है पर, एक होता है समाप्त होना. अप का हिंदी अर्थ ऊपर होता है. जब किसी वाक्य में ऊपर का अर्थ प्रतीत प्रकट हो तो उस स्थिति में अप का प्रयोग किया जाता है. जैसे सीढ़ियों पर चलो, तो सीढ़ियों पर चलो तो पर के लिए यहां पर हमने लगाया अप. वॉक अप द स्टेयर्स, क्या चल रहा है तो व्हाट्सअप. आपने ये सुना होगा ना, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप गाइज. तो एक नया तरीका होता है, नया ट्रेंड होता है पूछने का, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप गाइज. और पतंग ऊपर जा रही है, द काइट इज गोइंग अप. ठीक है, एक समाप्ति के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. मैंने कहा कि समय समाप्त हो गया है, ये देखो समय समाप्त हो गया है. तो यहां पे बोलेंगे टाइम इज अप या टाइम अप, इस तरीके से. तो समाप्ति की घोषणा करने के लिए भी हम अप लगाते हैं. आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, वहां पर आमिर खान जो होता है ना रेंचो, वो एक बोर्ड पे कुछ लिख देता है और बोलता है सब लोग ढूंढते किसका मीनिंग बता, तो रेंचो बोलता है टाइम अप सर, टाइम अप. टाइम अप आने समय समाप्त हो गया. तो एक तो दो तीन तरीके से होता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो व्हाट्सअप, व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो, क्या चल रहा है. तो एक तो आप मतलब ऊपर की ओर, और एक होता है आपका समाप्त होना. ये दो मीनिंग इसके याद रखना. और एक होता है अगेंस्ट. अब अगेंस्ट के दो मीनिंग होते हैं. अब यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है. देखो एक होता है आपका अपोजिट, एक होता है आपका इन फ्रंट ऑफ. ये बहुत सारे होते हैं, तो ये इनसे एक साथ कंफ्यूज नहीं करना है. अगेंस्ट एक तो होता है खिलाफ खड़े होना किसी के. जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हो जाता है उसे अगेंस्ट कहा जाता है. वह मेरे विरुद्ध था, ही वॉज अगेंस्ट. चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में वह मेरे विरुद्ध था, ही वॉज अगेंस्ट मी. वह मेरे फैसले के खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट माई डिसीजन. और एक होता है कि किसी चीज के खिलाफ कोई बीमारी आ जाना, इंजेक्शन आ जाना. एक इंजेक्शन रेबीज के वास्ते है, अरे इंजेक्शन अगेंस्ट द रेबीज, ठीक है. और एक ना जब कोई चीज किसी के जस्ट सामने होती है, जैसे एक ये वॉर है, एक दीवार है, इस दीवार के सामने हमने जस्ट एक साइकिल खड़ी कर दी, है ना. एक साइकिल मान लीजिए, यहां पर हमने एक कार खड़ी कर दी. तो जब घर के सामने कार खड़ी कर दी तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि द कार
is parked against the wall. बात को समझना, ये ग्रामेटिकल टर्म है. जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के जस्ट सामने चिपक कर खड़ी हो जाती है उसे भी अगेंस्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? अगेंस्ट कहा जाता है. तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ग्रामेटिकली टर्म्स में आ जाता है. जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा और तुम अगर मेरे सामने दूर खड़े हो तो मैं बोलूंगा कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ लगा दूंगा. थोड़े से पास आ जाओगे तो मैं बोलूंगा कि यू आर स्टैंडिंग अपोजिट मी. लेकिन तुम मेरे ऊपर चढ़ने लगोगे, एकदम मेरे मुंह के पास लेके आ जाओगे तो मैं बोलूंगा यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट मी. तो अगेंस्ट मतलब पास में खड़े हो जाना, उसको अगेंस्ट कहा जाता है. ठीक है, तो एक किसी व्यक्ति के खिलाफ होना और एक किसी दो वस्तुओं का पास में होना उसे भी अगेंस्ट कहा जाता है. अमंग, अमंग और बिटवीन तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो मुझे इसको फिर से लेने की जरूरत नहीं है. विदिन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड में. विदिन का मतलब क्या होता है? किसी एक टाइम पीरियड के अंदर कोई कार्य करना, विच इज कॉल्ड विदिन. ठीक है, इसको विथ इन नहीं पढ़ना है बेटा, विथ इन नहीं पढ़ना है, विदिन पढ़ना है. क्या पढ़ना है? विदिन. चलिए, तो विदिन का प्रयोग हम समय अवधि के लिए करते हैं. हम 10 मिनट के अंदर आएंगे तो वी विल कम विद इन 10 मिनट्स. जैसे मैं कई बार बोलता हूँ बस मैं 5 मिनट में गया और आया, सो आई विल बी बैक विद इन 10 मिनट्स. विदिन, विथ इन नहीं पढ़ना है, विदिन पढ़ना है, द पढ़ना है. विदिन क्या पढ़ोगे बोल के दिखाओ. अच्छा, बच्चे बोले सर छुट्टी कर दो. क्यों, आज ज्यादा हो गया? आज ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा. आदित्य शर्मा, लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करें? देखो, लैपटॉप में आपको जाना है www.classplus.in पर क्लिक करना है, है ना. उसके बाद जो भी बच्चे हमारे ऐप को आईफोन में या फिर लैपटॉप में ओपन करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको इस साइट पर लॉगिन करना पड़ेगा www. आप सीधा जाइए, मैं अपनी वेबसाइट आपको बता देता हूँ. वेबसाइट पर जाइए, हमारी वेबसाइट सर्च करिए, तो वहाँ से आप किसी भी चीज़ में कर पाएंगे. www.mastudy.in जाके और हमारा कोड मांगेगा वहाँ पर. तो कोड हमारा इंस्टीट्यूट का जो कोड है वो है VDXT. ये कोड डाल देना VDXT, तो आपका लैपटॉप में कहीं पर भी हमारा ऐप खुल जाएगा, आईफोन में भी खुल जाएगा. ठीक है, हम 10 मिनट्स के अंदर आएंगे. वी विल कम विद इन 10 मिनट्स. मैं एक घंटे में आपसे बात करूंगा. आई विल टॉक टू यू विद इन 1 आवर. सिंपल सी बात है. राउंड मतलब होता है चारों ओर. यहाँ आसपास की दुकान नहीं है. देर इज नो शॉप राउंड हियर. देर आर ट्रीज राउंड हियर. इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए. चलिए, समाप्त कर दिया. आप बोल रहे थे ना बहुत देर से, सर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमने समाप्त कर दिया. तो प्रीपोजिशन का आज खात्मा कर दिया. अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे. उसके पहले मैंने 50 नंबर का एक टेस्ट, 50 नंबर का एक जो टेस्ट है वो सेट कर दिया है मास्टरडी ऐप पर. आपको जाना है और वो 50 नंबर का टेस्ट ज़रूर देना है. उसके अलावा ये जो है एक प्रैक्टिस शीट है जो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा. ये सारे जितने भी प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाए बेटा, जितने भी पढ़ाया वो सारे प्रीपोजिशन के 60 क्वेश्चंस हैं. ये 60 क्वेश्चंस आपको फ्री में मिल रहे हैं, है ना. तो इनकी वैल्यू करना, इनको जरूर सॉल्व करना. ठीक है, चलिए. इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया हो तो फटाफट हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करो. मास स्टडी एक बहुत बड़ा वाइड एम्पायर है. आपको हर जगह कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मिलेगा. इंग्लिश का संपूर्ण समाधान मास स्टडी के पास है. देखो, हमारा मेन चैनल है मास स्टडी यूट्यूब चैनल, जिसको आपने सब्सक्राइब कर लिया है. अगर ग्रामर पढ़ना हो, कोई सा भी ग्रामर का टॉपिक हो, स्कूल की ग्रामर हो, कॉलेज की ग्रामर हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ग्रामर हो, सरकारी नौकरी की ग्रामर हो, मास इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जाइए. वहाँ पर रोज 1 घंटा क्लास होती है. मेरा जो पर्सनल चैनल है जिसमें मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, मेरे अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, कमलेश सर ऑफिशियल, इस पर चले जाना. और ये हमारे छोटे बच्चों का प्रैक्टिस ग्रुप. फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करना फेसबुक पर. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें, मास स्टडी 2025 ये हमारा इंस्टाग्राम है. ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है जहाँ पर मैं हर शनिवार को, हर सैटरडे को मैं लाइव आऊँगा. तो मैं जब भी लाइव करता हूं आपको बता दूंगा. तो कमलेश यादव, कमलेश स्पेस यादव 2025 ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है. आप इसे फॉलो करें और मास स्टडी ऑफिशियल को भी फॉलो करें. टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मास स्टडी, जरूर इसे फॉलो करें. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको भी आप फॉलो करें. ठीक है,
ये सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़्यादा सोचना नहीं है, 10 तारीख को बैचेस स्टार्ट हो रही है, लाइव क्लासेस रात को 8 से 9 से 10। तो आप बेसिक्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा ये वाला कोर्स आप ज्वाइन करें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऑफिस टाइम में हमें कॉल करें, हम आपको लाइव क्लास में ऐड कर देंगे। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं कि सर इंग्लिश ना समझ में आती है, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, उसका रीज़न एक ही है कि आप समझ में आती है, आप बोल नहीं पा रहे, आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है और घबराहट होती है, बोलने में डर लगता है। तो आपको एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर आप अपनी बात रख पाएँ, उसके लिए आपको हमारी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसका नाम है एक्सपर्ट एडवांस बैच। इस बैच में जो भी अभी तक आया वो इंग्लिश का मास्टर बन के ही निकला है, 200% गारंटी हम आपकी देते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, छोटे बच्चों के लिए बैच है। और एक संडे के दिन ना हमारी एक फ्री वोकैबलरी की बैच होने वाली, संडे के दिन हम 2 घंटे की एक वोकैबलरी की फ्री बैच पढ़ाएंगे जिसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। प्राइम वोकैबलरी बैच के अंतर्गत संडे के दिन मैं टाइम बता दूंगा आपको कल, तो ज़रूर मेरी वोकैबलरी बैच ज्वाइन करें। इसके अलावा पर्सनल क्लासेस, ऐसे आप में से कई लोग होंगे जो बैच में नहीं पढ़ना चाहते, अकेले पढ़ना चाहते हैं, तो आप बैच में ज़रूर, आप अकेले भी एडमिशन ले सकते हैं, 1-to-1 हमारी क्लास है, यू कैन हायर पर्सनल टेस्ट, ठीक है। तो पर्सनल टीचर हायर करके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिन में रात में जब भी पढ़ना चाहते हैं आपको अकेले को पढ़ाएंगे, विच इज़ 1-to-1 क्लास, आप ज़रूर ज्वाइन करें। मेरी बुक, मैंने कहा था अपडेट हो गई है, मेरी बुक नई बुक आ गई है अपडेट मास्टरडी ऐप पर, ये बुक आप अभी जाकर ले लीजिए। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने और भी कंटेंट ऐड कर दिया है। इंडियाज नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश बुक, ज़रूर पीडीएफ बुक ले लीजिए, मात्र 150 रुपये में ये बुक आपको जीवन भर काम में आएगी। एक बार अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, दोस्तों को बांटो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा कंप्लीट कार्यक्रम। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। आज की क्लास कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना, कल क्लास होगी या नहीं होगी इसके बारे में मैं बता दूंगा। वैसे मेरी क्लास गुरुवार तक ही चलती है, तो क्लास चूँकि मेरी छुट्टी हो गई थी एक दिन, तो हो सकता है मैं कल क्लास ले लूँ। तो क्लास लूँगा तो आपको टेलीग्राम पर मैसेज कर दूँगा, नहीं होती तो भी मैं मैसेज कर दूँगा। अभी मैं ये जो PDF है ये मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने आज पढ़ाया है इसकी PDF नोट्स मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पर, आ जाए तो मुझे बता देना। कहाँ गया, देखिए मैंने PDF नोट्स डाल दिए हैं, अभी चेक करिए बेटा, जो आज की क्लास का PDF नोट्स था मैंने डाल दिया है, मिल गया। हाँ हाँ या ना बोलो, मिल गया ना, सारा का सारा PDF डाल दिया है, आराम से आपने मोबाइल में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैंने पढ़ाया था सारा नोट्स आपको दे दिया है। आप पूरे प्रीपोजिशन का 50 नंबर का टेस्ट मास्टरडी ऐप पर अवेलेबल है, आप ऐप पर जाइए और टेस्ट जरूर देना, भले 5 नंबर आए 10 आए, एक बार चेक तो करना है कि आपने कितना पढ़ा। 4 ऑप्शन है, MCQ फॉर्म में है, 1 के 4 ऑप्शन है, बढ़िया सा समझ में ही आ जाएगा। तो सभी लोग टेस्ट जरूर देना और अपने दोस्तों को भी दिलवाना। जो टॉप 50 बच्चे होंगे ना उनका नाम मैं अनाउंस करूँगा वीडियो में या फिर टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। आप कल मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक के लिए टेक केयर। क्लास कैसे लगी लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना, अभी तक भी लाइक नहीं किया तो 1 लाइक ज़रूर कर देना, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। और व्हाट डू यू कॉल इट, कि मिलेंगे कल, ज़रूर मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगा क्लास लूँ आपकी। गुड नाइट।